ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं सूरज हाशमी। टिकटॉक ने लोगों को इतना दीवाना कर दिया है कि वो भूल गए हैं आखिर दुनिया के सामने जाते ही इसका असर क्या होगा। वैसे तो अक्सर आप और हम सुनते आए हैं कभी टिकटॉक के चक्कर में कोई खाई में गिर गया है जहां उसकी मौत हो गई है, तो कहीं ये भी सुने होंगे टिकटॉक बनाने के चक्कर में किसी की हत्या कर दी गई है। इसके बाद भी लोगों के आंख नहीं खुल रहे हैं और इस पूरे मामले में कोर्ट ने भी बैन कर दिया है टिकटॉक को, लेकिन फिर भी लोग जो है टिकटॉक बनाने पे मजबूर हैं। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, टिकटॉक बनाते ही हैं। अब तक आपने ज़्यादातर आम जनता की टिकटॉक वायरल वीडियो देखा होगा, लेकिन आज जो हम आपको दिखाएंगे वो वीडियो बताने जा रहे हैं वो एक पुलिस यानी महिला पुलिस का है जो डांस कर रही है। वायरल वीडियो सामने आई है, वो वीडियो तमिलनाडु की है। ये वीडियो काफ़ी परेशान कर देने वाली है क्योंकि तमिलनाडु की दो महिलाएं कांस्टेबल पुलिस समुद्र के किनारे टिकटॉक बनाई और उसके बाद महिला पुलिस का वीडियो वायरल हो गया। देखें वीडियो में। ये महिला पुलिस तमिलनाडु की है लेकिन टिकटॉक वीडियो बनाती हुई नजर आई। कैसे महिला पुलिस डांस कर रही है, कानून को ताक पर रखकर ये महिला पुलिस समुद्र के किनारे झूमती वायरल वीडियो में दिखी है। और दूसरी तरफ एक और वीडियो हुआ है वायरल, एक लड़की जिसका नाम अनामिका है उसने भी गुहार लगाई है, मेरी जान का खतरा है। और लड़की ने अपने वीडियो में कहा है मेरे और मेरे पति के पीछे उसके परिवार वालों का खतरा बना हुआ है, उन दोनों के साथ अगर कोई घटना होती है तो लड़की के घर वाले जिम्मेदार होंगे। सुनिए वायरल वीडियो में अनामिका ने क्या कहा है। फिलहाल अनामिका और मगन ने शादी कर ली है। मेरे पिताजी का नाम विजेंद्र गिरी है, मैं रुखालू की रहने वाली हूँ, मेरा तहसील हसनपुर जिला अमरोहा। मैंने आर्य समाज मंदिर में मैंने और मगन सिंह ने शादी कर ली है। मैं पूरी तरह से वालिक हूँ, मेरी उम्र 21 साल हो चुकी है। मुझे और मेरे पति को प्रोटेक्शन चाहिए और मुझे या मेरे ससुराल वालों को कुछ भी दिक्कत होती है तो इसके जिम्मेदार मेरे घर वाले। तो आपने सुना अनामिका ने कहा मेरी जान का खतरा है। और तीसरी तरफ एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसको आप लोग जानते हैं, साक्षी मिश्रा की, जो अपनी जान का खतरा बता रही है। साक्षी मिश्रा के पिता बरेली से बीजेपी के विधायक हैं, इनसे साक्षी और अजितेश को जान का खतरा है क्योंकि साक्षी और अजितेश ने शादी कर ली है। साक्षी ने वीडियो बनाकर वायरल किया है जिसके बाद मामला काफ़ी संगीन हुआ था और खतरा साक्षी के पिता से है क्योंकि दबंग विधायक हैं। और सुनिए साक्षी ने क्या कहा है वायरल वीडियो में। पापा और विक्की, पापा बोले तो माननीय विधायक पप्पू भड़तौल जी और विक्की भड़तौल जी, प्लीज़ अब मान जाओ और शांति से जियो और रहने दो, क्योंकि मैंने सच में शादी कर ली है। ये सिंदूर मैंने फैशन में नहीं लगा रखा है, ये शादी कर ली है इसलिए लगा रखा है। और पापा, आपने जो अपने भेज रखे हैं ना मेरे पीछे जस्ट लाइक राजीव राणा, उसको बताओ अगर मेरे सर के ऊपर से पानी चला गया तो उसका पूरा खानदान जेल में होगा। मैं परेशान हो चुकी हूँ, मतलब इतना घूम घूम के हम परेशान हो चुके हैं और मेरी हमारी जान को खतरा है। और एक बात कहना चाहूँगी विक्की और पापा कि अभी और उसके रिलेटिव्स को परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि उन लोगों की कोई गलती नहीं है, जो कुछ किया है मैंने और अभी ने किया है। और अब शांति से जियो और राजनीति करो, मैं खुश रहना चाहती हूँ और आज़ाद रहना चाहती हूँ। और मैं इस वीडियो के थ्रू एक बात कहना चाहूँगी, इन फ्यूचर अगर मुझे और अभी के फैमिली के किसी भी मेम्बर को कभी कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे पापा विक्की भड़तौल और राजीव राणा होंगे। तो आपने सुना वायरल वीडियो में साक्षी ने क्या कहा है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम।